हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम फिज़िक्स के दस इम्पोर्टेंट एम डिस्कस करते हैं और जो हमने फिजिक्स पे फिज़िक्स की एम सीरीज़ स्टार्ट की थी साइंस में ये उसका पार्ट थर्ड है वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से देखना क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें समझ से रिलेटेड हैं मतलब आप उनको रटे से याद नहीं रख सकते एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगी वो तो so वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज जो फ्यूज वायर होती है उसकी उसका नेचर कैसा होता है द ऑप्शन लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस इसलिए होता है कि ये करंट के फ़्लो को रेजिस्ट करते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम होता तो अगर ये जो अगर नीड लोड ज़्यादा बढ़ जाता तो उससे मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करती तो ट्रांसफार्मर का डैमेज होता वैसे और लो लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है, होता है कि अगर मतलब कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा लोड हो जाए या कुछ तो वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है और ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो बच जाता है अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता तो फिर उस वायर को कुछ होता ही नहीं तो मतलब वो पिघलती नहीं तो ट्रांसफार्मर को मतलब जब लोड ज़्यादा होता तो वो डैमेज हो जाता हो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर टू व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिसकनेक्ट्स द जब घर में मेन स्विच को हम ऑफ करते हैं तो ये किन वायरस को डिसकनेक्ट करता है वायर्स तीन टाइप्स की होती हैं लाइव वायर न्यूट्रल वायर

द इलेक्ट्रिकल ऑफ houses are आर via जो इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज हमारे घरों में होते हैं वो किस तरह कनेक्ट होते हैं पेरल सर्किट में सीरीज सर्किट में बहुत द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन पेरल सर्किट ऑफ आवर हाउसेस आर कनेक्टेड वाया पैरल सर्किट क्वेश्चन नंबर फोर बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ बल्ब का जो फिलमेंट है वो किस से बना हुआ है जो वो वायर जैसी होती है बल्ब के अंदर जो मतलब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो ऑप्शंस आर कॉपर सिल्वर टंगस्टन एस्टेटीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री टंगस्टन क्वेश्चन नंबर फाइव टंगस्टेन स्टैंड इज़ यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ द फिलेमेंट ऑफ एन अलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ अक्स जो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया जो टंक स्टैंड है इसको यूज किया जाता है फिलाेंट अलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के मैन्युफैक्चर के लिए तो क्या रीजन है इसको यूज़ किया जाता है एज अ फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब द ऑप्शंस सर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो मेल्ट पॉइंट बहुत बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड नान आप दबो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर वन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इस वजह से अगर मेल्टिंग कोई हम मतलब कोई एलिमेंट वो यूज़ करते जिसका मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो उससे जो वायर थी थोड़ी हीटअप होने से वो पिघल जाती और हमारा बल्ब मतलब जल्दी फ्यूज़ हो जाता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो ये जल्दी पिघलता नहीं और इसको टाइम निकलता है इससे मतलब बल्ब मतलब काफ़ी टाइम के बाद फ्यूज़ होता है तो अगर लो मेल्टिंग वायर कोई यूज करते तो वो जल्दी फ्यूज हो जाता क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन एवर अ बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसकी डायरेक्शन उस बॉडी की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी तो ऑप्शन टू द एक्सेशन ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू द एक्सेरेशन ऑफ द बॉडी पैरल टू द स्पीड ऑफ द बॉडी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू परपेंडिकुलर टू द एक्सलेषन ऑफ द बॉडी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक्सलेन उसकी एक्सलेशन पे हमेशा वो परपेंडिकुलर होती है क्वेश्चन नंबर सेवन द फ्यूज वायर मेल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ जो फ्यूज वायर है वो क्यों पिघलती है द ऑप्शन नॉन ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन राइज इन करंट जब करंट का फ्लो ज्यादा होता है जब मतलब डिमांड ज्यादा होती है तो करंट का फ्लो ज्यादा होता है तो उससे जो फ्यूज़ वायर गर्म होती है तो वो वो फिर मेल्ट हो जाती है क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन नंबर एट द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी का सेम यूनिट है इनमें से किसका यूनिट वही है द ऑप्शन आर पावर इलेक्ट्रिसिटी वर्क फोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री वर्क वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है और वो है जूल क्वेश्चन नंबर नाइन वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू एक हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर सेवन फोर सिक्स वाट्स

द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू फोर पॉइंट वन एट सिक्स जूल्स एक कैलरी में चार पॉइंट एक सौ छियासी जूल्स होते हैं तो ये थी आज की हमारी फिजिक्स की पार्ट थर्ड वीडियो एम सी क्यू सीरीज की होब आपको अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर और शेयर भी करें अपने नियर और डेयर्स के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे